सरकारी आदेश के बाद खुले स्कूल, प्रिंसिपल कपूर ने कहा कम संख्या में आए विद्यार्थी। आज 26 जुलाई को सरकारी आदेश के बाद स्कूल खुलने शुरू हो गए। अजंता सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मयंक कपूर ने कहा कि सरकारी आदेश के बाद कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए 10वीं, 11वीं व 12वीं की कक्षाएं शुरू कर दी गई है, लेकिन आज पहले दिन कम संख्या में विद्यार्थी स्कूल पहुंचे। उम्मीद है कि एक सप्ताह में विद्यार्थी पूरी संख्या में स्कूल आना शुरू कर देंगे। स्कूल की डायरेक्टर प्रमिला कपूर और प्रिंसिपल मयंक कपूर ने कहा कि प्ले पेन से लेकर 9वीं कक्षा तक 2 अगस्त से सरकारी आदेश के अनुसार कक्षाएं लगनी शुरू हो जाएंगी। मेरा नाम प्रमिला कपूर है, मैं अजंता सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढाबकटीका की डायरेक्टर हूँ और गवर्नमेंट ने 26 जुलाई से स्कूल स्टार्ट करने की परमिशन दे दी हुई है, जिसके अकॉर्डिंग हमने आज से स्कूल स्टार्ट कर दिया हुआ है। उन्होंने ऐसी कोई प्रोटोकॉल नहीं दी जो कि लास्ट ईयर उन्होंने अक्टूबर मंथ में दी थी कि सारे सेफ्टी मेज़र, और कभी उन्होंने कहा था शिफ्ट वाइज आप स्कूल चलाइए, और अब फिर उसके बाद क्लासेस फ्रॉम 4th ऑनवर्ड या प्री स्कूल से, सारा कुछ उन्होंने डिफरेंट डेट्स बताई थी। तो आज से तो हमारा स्टार्ट हो गया उनके आदेश के अनुसार। 10th, 11th एंड 12th बच्चों ने पूरे जोश के साथ स्कूल अटेंड किया है, और कंसेंटमेंट लेटर की भी ऐसी कोई बात उन्होंने आदेश में नहीं लिखी थी सरकार ने, जो कि पिछली बार इस, और साथ में उन्होंने यह कहा है कि बाकी स्कूल भी जो हैं वो 2nd अगस्त से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो 2nd अगस्त से भी, जैसा कि उन्होंने कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं दी है, तो हम 2nd अगस्त से प्ले पेन से लेकर स्टैंडर्ड 9th तक भी स्कूल स्टार्ट कर देंगे। सारे प्रोटोकॉल हमने यूज़ किए हुए हैं, चाहे गवर्नमेंट ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया, लेकिन सेफ्टी मेजर्स जैसे कि वाटर कूलर्स के एक्वा कार्ड्स, वाटर कूलर्स और वाटर टैंक्स, या सारा स्कूल सैनिटाइज करना, सारे क्लासरूम सैनिटाइज करना, बच्चों के मास्क हो गए, सैनिटाइज़र हो गया, सोशल डिस्टेंस हो गया, ये सारी चीज़ें बच्चों को रटाई हुई हैं, और हमने SMS वगैरह भी ग्रुप्स में डाल दिए हुए हैं, उसे बच्चों ने पूरा फॉलो किया है आज, और आगे भी हम इसको पूरा फॉलो कराते जाएंगे। और स्टडी हमारी फुल डे के लिए बच्चों की सारे पीरियड्स हम स्टार्ट कर देंगे, और आज से हमारे स्टार्ट हो चुके हुए हैं। थैंक यू। जी, मैं मयंक कपूर, प्रिंसिपल अजंता सीनियर सेकेंडरी स्कूल। लगभग अराउंड 4 या 5 मंथ्स के बाद, मार्च के बाद, फिर से आज स्कूल 26 तारीख से 10th, 11th और 12th के खुल गए हैं। गवर्नमेंट ने आज से स्कूल्स खोलने के ऑर्डर दे दिए हैं। तो कोविड से अराउंड 1.5 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट। बीच में कुछ देर स्कूल ज़रूर खुले थे, बट स्टडी बच्चों की अफेक्टेड रही है। फिज़िकल क्लासेस नहीं ले पाए स्कूल्स, ऑनलाइन क्लासेस ही चलती रही हैं। तो अब आज बच्चों की फिज़िकल क्लासेस 10th, 11th, 12th की शुरू हो गई हैं, एंड विद ऑल दी गवर्नमेंट गाइडलाइंस, बच्चों के लिए मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, अभी हम असेंबलीज नहीं कर रहे हैं, रिसेस नहीं कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ स्कूल आज शुरू हो गए हैं। ऑल दी टीचर्स जितने हमारे स्कूल में हैं सबकी वैक्सीनेशन हो गई हुई हैं, तो आज शुरू हो गए हैं स्कूल। एंड होपफुली नेक्स्ट वीक से, 2nd अगस्त से, जो बाकी क्लासेस हैं प्ले पेन से लेके 9th तक, वो भी नेक्स्ट वीक मंडे से होपफुली शुरू हो जाएंगी। एंड होपफुली ये अब जो स्कूल्स खुले हैं ये आगे भी कंटिन्यू ही रहेंगे, एंड जो कोविड का प्रकोप है, ये हम यही विश करते हैं कि जो कोविड का ये प्रकोप है ये अब आगे ना बढ़े। मगर सर, अभी छोटी क्लासेस नहीं खुली हैं? आज जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी 26 से, उसमें 10th, 11th और 12th 3 क्लासेस खोलने की गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, बाकी क्लासेस अभी नहीं खुली हैं। बाकी क्लासेस की गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने 2nd अगस्त से दी हैं खोलने के लिए, अगर सब कुछ ठीक रहता है, कोई कोविड के केसेस नहीं बढ़ते हैं अगले आने वाले हफ्ते के अंदर, सब कुछ ठीक रहता है, जो सिचुएशन है नॉर्मल रहती है जैसी आज की डेट में है, तो बाकी क्लासेस भी जो हैं वो नेक्स्ट वीक मंडे से 2nd अगस्त से खुल जाएंगे। तो बच्चों को कैसा संजोग मिल रहा है सर, आपको बच्चे आ रहे हैं या कैसा है? जी, आज फर्स्ट डे है, बच्चे आने शुरू हो गए हैं। नो डाउट थोड़ी आज स्ट्रेंथ नॉर्मल रूटीन से अभी कम है, बिकॉज 1-2 दिन आपको भी पता लगते हैं, तो
होपफुली इन दिस वीक वेनसडे तक या कल तक या एक दो दिन के अंदर जो बच्चे हैं प्रॉपर अपनी रूटीन में एंड फुली रेडी विद देयर एजुकेशन, बच्चे यहाँ पे स्कूल में प्रेजेंट होंगे। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग की मेंटेनेंस की हुई है, बच्चे मास्क डाल के आ रहे हैं एंड टेम्परेचर चेक्स हो रहे हैं। अपनी तरफ से कोई मैसेज पब्लिक को अपने स्कूल की तरफ से? मैसेज यही है कि हम थर्ड वेव जो है सुन रहे हैं कि आ रही है एंड जो सबसे ज़रूरी है मास्क, अगर हम मास्क डाल के रखेंगे एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखेंगे तो होपफुली कोविड का जो सिचुएशन है वो ना आए, कोविड अपना वायरस चेंज ना करे, कोविड की जो सिचुएशन है वो ठीक रहे। तो यही मैसेज है कि मैक्सिमम अपनी सेफ्टी रखिए, अवॉइड क्राउड्स, ज़्यादा इकट्ठे ना हो, मास्क सबने डाले हो एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए।